हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग फॉर यू। आज के इस लेक्चर में हम केसीएल के बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कैसे केसीएल का कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं सारे पॉइंट इसमें डिस्कस करूंगा जो हमने केसीएल में स्टडी किए थे। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ, दैट इज आस्क इन पीएसपीसीएल। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, पीएसपीसीएल जेई का ही क्वेश्चन है आपका जो लास्ट ईयर आया था। क्लियर? तो जब भी मेरे पास ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ज़्यादा दिखें, जैसे इस क्वेश्चन में भी है और इस क्वेश्चन में भी है, ठीक है, जहाँ पे भी पैरेलल कॉम्बिनेशन ज़्यादा दिखे वहाँ पे ऑलवेज ट्राई करना विद द हेल्प ऑफ केसीएल। जहाँ दूसरी इसकी पहचान ये है कि जब भी मेरे पास करंट सोर्स मुझे दिखें तो मैं कौन सा यूज़ करूँगा, केसीएल। तो केसीएल के साथ ईजी रहता है, समझ रहे पॉइंट। जो जब ज़्यादा नंबर ऑफ करंट सोर्स दिखेंगे तो केसीएल के साथ करेंगे, अगर वोल्टेज सोर्स दिखेंगे तो केवीएल के साथ दिखेंगे। बाकी आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया हो जाएगा, समझ रहे हैं पॉइंट। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ, इस पे वोल्टेज बी, इस वोल्टेज बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको बता भी, जब भी केसीएल आपने अप्लाई करना है तो एक नोड को क्या ले लो भाई, रेफरेंस नोड, और केसीएल इज ऑलवेज अप्लाइड एट द नोड हैविंग मोर देन टू ब्रांचेस। तो इस नोड पे दो है, इस पे कितनी है, तीन है। इसका मतलब ये वाली नोड होगी जिस पे केसीएल मेरा एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए जहाँ पे कोई वोल्टेज बी है, ये टोटल वोल्टेज इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिफरेंस आपको बी गिवन था, अगर मैं इसको ग्राउंड के साथ टच कर दूं, इसका मतलब ऊपर वाली वोल्टेज कितनी बचेगी, बी, तभी तो बी माइनस जीरो इक्वल टू बी आएगा ना। इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज कितना है, बी, और इसी वोल्टेज बी को आपने कैलकुलेट करना था। और दूसरा रूल आपको ये बताया था, जिस भी नोड पे केसीएल लगाना है वहाँ पे जाइए, ऑटवा डायरेक्शन में करंट को अज्यूम कर लीजिए। क्लियर? तो सबसे पहले जे वाला करंट निकालते हैं भाई, इस करंट की वैल्यू कितनी होगी, करंट जहाँ से चल रहा है वो वाली वोल्टेज माइनस, पहुँच कहाँ पे रहा है, जीरो पे। अगर करंट मेरा पॉजिटिव में एंटर करेगा तो साइन नेगेटिव, कितना 10, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितनी है भाई 5। तो अगर आपका कंसेप्ट ये वीक हो गया है तो आप पहले केसीएल जो हम कर रहे थे ना, केसीएल वाला जो लेक्चर था, आई थिंक लेक्चर नंबर 9, उसको पहले देखिए, देखने के बाद फिर इस लेक्चर पे आइए और अपने क्वेश्चन और अपने जो कंसेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। क्लियर? तो पहले ये वाला करंट हो गया मेरा, अब नीचे वाला करंट क्या हो जाएगा, दिस वोल्टेज माइनस आउटवर्ड करंट इज टेकन एज पॉजिटिव। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव, बी माइनस जीरो डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना भाई 10, और ये वाला करंट क्या भाई, नोड के इनकमिंग है तो नेगेटिव। सारे करंट मैंने कंसीडर कर लिए उस पार्टिकुलर नोड पे और इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से, ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बचेगा 2b माइनस 10 प्लस बी माइनस 5 इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। जो भी एलसीएम आएगा इधर जाके जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2b माइनस 20 प्लस बी माइनस 50 बराबर जीरो। तो कितना बचेगा, -70, 3b इज इक्वल टू इधर जाके -70 प्लस का हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70/3। क्लियर? तो इसको देखो कितना आ रहा है, 2 पे जाएगा 6, 10 बचेगा, ऐसे डिवाइड कर लो भाई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो, 3 पे, 2 पे जाएगा 6, 10 बच जाएगा, फिर 3 पे जाएगा 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे एक जीरो, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा जीरो, 3 पे जाएगा फिर 9, 10 बचेगा फिर 3 पे जाएगा। क्लियर? तो ऐसे ही चलता जाएगा, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा दैट इज 23.34 वोल्ट। क्लियर? तो ऑप्शन देख लेते हैं भाई, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? तो आपने भाई देखा कैसे आपने किसका यूज करना है, केसीएल का यूज करना है। क्लियर? आप इसको केवीएल के साथ भी कर सकते थे, देखिए कैसे। तो केसीएल के साथ तो आपने देख लिया, इसको अगर मैं केवीएल के साथ देखूं तो केवीएल के साथ मेरा आंसर कैसे आएगा, तो सेम आपका सेम कंसेप्ट भाई यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। मुझे एक चीज़ बताइए, मान लीजिए इस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई हो रहा है, मैं फर्स्ट लूप में केवीएल अप्लाई कर दूंगा। क्लियर? और इसमें करंट सोर्स ही करंट को डिसाइड करेगा कितना करंट होगा, और उसकी पोलैरिटी देखो कैसी है, उसी पोलैरिटी में इस ब्रांच में जो करंट होगा, इस लूप में जो करंट होगा वो 5 एम्पियर होगा। क्लियर? मैं अप्लाई कर रहा हूँ केवीएल, अप्लाई केवीएल इन फर्स्ट लूप। तो ध्यान से देखिए भाई, मेरा जो करंट है मैं इस डायरेक्शन से ऐसे अज्यूम कर सकता हूँ, और मैं बोल आपको बताया था जो केवीएल होता है दैट इज ऑलवेज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ लूप करंट। तो लूप करंट अब कैसे है, तो करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो नेगेटिव, अब वोल्टेज कंसिडर करेंगे, समझ रहे पॉइंट। तो करंट मेरा ऐसे जा रहा है, अब ऐसे जाएगा, इस तरफ जाएगा, ड्रॉप इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो केवीएल में जब भी करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है उसको क्या लेके चलते हैं, अभी प्लस का रेजिस्टेंस है 5, करंट कितना है
आई, नेक्स्ट नीचे को आएगा करंट, अगर करंट ऐसे नीचे को आएगा ड्रॉप इज ऑलवेज फ्रॉम प्लस टू माइनस, जब करंट प्लस टू माइनस जाएगा उसको क्या लेके चलेंगे भाई, प्लस, कितना रेजिस्टेंस है 10 इंटू नीचे को करंट कितना होगा, इधर से करंट मेरा कितना आ रहा है भाई आई, इधर से कितना आ रहा है 5, तो दोनों करंट मिक्स होके जाएंगे, कितना आंसर आ जाएगा, टोटल करंट कितना आएगा आई प्लस 5, सभी वोल्टेज को कंसीडर किया इक्वल टू कर देंगे 0, जब माइनस 10 इधर जाके प्लस 10 हो जाएगा तो 5i प्लस 10i प्लस 50 दैट इज इक्वल टू प्लस का 10, तो कितना बचा अभी 15i दैट इज इक्वल टू, जब 50 इधर जाके माइनस हो जाएंगे 40, तो i की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 40 डिवाइड बाई 15, क्लियर, तो इसको कैंसिल कर दियो, अगर हो रहा है तो 8 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, तो आई करंट की वैल्यू कितनी आ गई भाई माइनस 8/3 एम्पियर, समझ रहे हैं भाई इतनी बात। आप मुझे एक चीज़ बताइए, हमें चाहिए था जे वोल्टेज बी, जे वोल्टेज बी क्या होगा, जे वाला करंट, इस ब्रांच में करंट कितना है भाई आई प्लस 5 है ना, आई प्लस 5, जब करंट ऐसे जाएगा ड्रॉप इज ऑलवेज फ्रॉम प्लस टू माइनस, तो ड्रॉप की पोलैरिटी जो वोल्टेज आपने कैलकुलेट करना है दोनों की पोलैरिटी सेम है, इसका मतलब वोल्टेज बी क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कितनी है भाई 10 इंटू करंट कितना है आई प्लस 5, तो इसका मतलब 10 इंटू करंट आई की वैल्यू कितनी है माइनस 8/3 प्लस कितना है 5, तो इसको सॉल्व कर लो भी, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, एलसीएम आया 3 माइनस 8 प्लस, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई 15, तो कितना बचेगा 70/3, 7 बच जाएगा गुणा 10 करेंगे 70/3, यहाँ पे भी कितना आ रहा था, अच्छा मिटा दिया मैंने, तो सॉल्व कर लो भी, ये भी आ जाएगा 23.34 वोल्ट, क्लियर है भाई। तो चाहे केवीएल के साथ करिए चाहे केसीएल के साथ करिए आपका आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन केसीएल के साथ सिर्फ एक ही इक्वेशन बनेगा और आराम से आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है भाई। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कैलकुलेट करना है भाई, फाइंड द नोड वोल्टेज ए और बी, जो बी ए है और बी बी की वैल्यू आपको बतानी है। तो आपने देखा होगा ये वाला क्वेश्चन मैं प्रीवियस पहले लेक्चर में भी सिलेक्ट कर चुका हूँ, जब हम केवीएल के क्वेश्चन कर रहे थे उसमें केवीएल के साथ देखा था, अब किसके साथ देखेंगे केसीएल के साथ देखेंगे, समझ रहे पॉइंट। तो ये भी मेरा पी एस पी सी एल का भी क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर, क्लियर। तो चलिए, तो इसको करने के लिए सबसे पहले एक नोड को रेफरेंस नोड ले लेंगे, और कहाँ पे केवीएल अप्लाई होगा वो वाली नोड जिसपे 3 ब्रांचेज होंगी, और कोई भी नोड ऐसी नहीं है, ये भी नोड है ये भी नोड है, लेकिन कोई नोड ऐसी नहीं है जिसके ऊपर 3 ब्रांचेज मिल रही हो, सिर्फ और सिर्फ ए नोड है और सिर्फ यहाँ पे ही आपका केसीएल अप्लाई होगा। तो जिस भी नोड पे केसीएल अप्लाई करना है उस पे जाइए और आउटसाइड डायरेक्शन में करंट अज्यूम कर लीजिए, एक नोड को रेफरेंस ले लेंगे, मान लीजिए ए पॉइंट है, इस पे वोल्टेज बी ए है, ये वोल्टेज मान लीजिए बी बी है, ठीक है। तो जे वाला करंट निकालते हैं, क्या होगा, पहले अप्लाई केसीएल एट नोड ए, केसीएल एट नोड ए, ए नोड पे हम केसीएल अप्लाई करेंगे, वोल्टेज कितना है बी ए, ये करंट यहाँ से चलेगा कहाँ पे पहुँच रहा है जीरो पे, और इसके नेगेटिव में एंटर करेगा तो प्लस साइन आ जाएगा 12 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 10, ये करंट हो गया। अब ये करंट इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट इज टेकन एज नेगेटिव, ये वाला करंट आउट गोइंग है तो प्लस आ जाएगा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई बी ए से स्टार्ट हो रहा है, पहुँच कहाँ पे रहा है यहाँ पे माइनस जीरो पे, अब जैसे ही इसमें एंटर करेगा किस में एंटर कर रहा है पॉजिटिव में, तो साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव, वैल्यू कितनी है 8, रेजिस्टेंस कितना है भाई 40, बराबर क्या आ जाएगा 0, क्लियर। तो इस नोड पे 3 करंट थे, तीनों को मैंने सॉल्व कर लिया है, क्लियर। तो मुझे एक चीज़ बताइए भाई, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 40 आ जाएगा, सभी को 40 से मल्टीप्लाई करो, इसको जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हैं पॉइंट, इसको 40 से ही करना पड़ेगा, इसको 1 से, तो इसका मतलब 4 बी ए प्लस 12 माइनस 3 इंटू 40 प्लस बी ए माइनस 8, नीचे जो 40 होगा इधर जाके 0 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं भाई पॉइंट। अब मुझे एक चीज़ बताइए, इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 बी ए प्लस 48 माइनस 120 प्लस बी ए माइनस 8 बराबर 0, 120 128 माइनस के प्लस 40, इसका मतलब कितना बचेगा भाई 5 बी ए दैट इज इक्वल टू 128 माइनस 48, इसका मतलब कितने बचेंगे भाई 80 बच जाएंगे, तो बी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो किस पे गया भाई 16 वोल्ट, इसका मतलब जो बी ए है उसकी वैल्यू किसके को लगी भाई 16, इसका मतलब बी ए 16 किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब
ए और डी तो मेरा रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर। या तो ऑप्शन बी होगी या सी होगी, क्लियर। अब मुझे निकालना है बी बी, जे वोल्टेज, जे वोल्टेज किसके अक्रॉस आएगी, ये तो देखिए जीरो है, ये सारा जीरो वोल्ट का होगा, इसका मतलब जे वाली वोल्टेज निकालनी है बी बी, क्योंकि जे वाली वोल्टेज निकालनी थी ना, नोड वोल्टेज, क्लियर। ये अगर जीरो है तो यहाँ पे बी बी बचेगा, इसका मतलब इस ब्रांच में करंट निकाल लो, करंट को इस रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करो, क्योंकि करंट अगर ऐसे आएगा, ड्रॉप इज ऑलवेज प्लस टू माइनस, ड्रॉप की पोलैरिटी, जो वोल्टेज आपको कैलकुलेट करनी है उसकी पोलैरिटी सेम है, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब जो बी बी है, बी बी इज इक्वल टू किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है भाई, 40 इंटू करंट आई। तो अब आई करंट, ये आई करंट कहाँ से चल रहा होगा, यहाँ से तो आ रहा होगा, क्लियर। तो इस आई करंट की वैल्यू बताइए क्या होगी, आई करंट की वैल्यू देखिए कहाँ से चल रहा है, ये बी ए से चल रहा है, पहुँच कहाँ पे रहा है, जीरो पे, करंट किस में एंटर हो रहा है, पॉजिटिव में, तो साइन नेगेटिव, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना भाई पाथ का, इस पूरे पाथ का रेजिस्टेंस कितना है 40, और बी ए की वैल्यू अभी आपने निकाला है कितना 16 माइनस 8 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 40, तो देखिए आई की वैल्यू कितनी आ गई 8/40, इसको कैंसिल करिए भाई, 2 पे गया ये 10 पे गया, मींस 1/5 एम्पियर, क्लियर। तो आई करंट की वैल्यू आ जाएगी 1/5 एम्पियर, तो यहाँ पे पुट करेंगे आई की वैल्यू 40 इंटू 1/5 कितने भी गया भाई 8 वोल्ट, क्लियर। इसका मतलब जो बी बी होगी दैट इज इक्वल टू 8 वोल्ट, इस पे 32 है, इस पे कितना है 8, इसका मतलब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हैं वही बात। तो भाई कंसेप्ट जो चीज़ आपको बताई जा रही है उसी को ही क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना है, समझ रहे हैं पॉइंट, और कुछ नहीं करना, बस घबराना नहीं है, क्वेश्चन देख के जो चीज़ आपको बताई जा रही है बस उसको जस्ट फॉलो करते जाइए, देखा जाएगा आगे कैलकुलेशन कहाँ तक पहुँच रही है, कोई पता नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि इसको सॉल्व कैसे आगे आगे क्या होता जाएगा, क्लियर। बस जो प्रोसीजर आपको बताया जा रहा है उसको फॉलो करिए, उसको समझिए, रट्टा किसी भी चीज़ को नहीं लगाना है, और उसी कंसेप्ट को जाते जाइए आगे तक, जाते जाइए जाते जाइए, आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी, जिस चीज़ को आपको निकालना होगा वो आराम से आप निकाल सकते हो, समझ रहे हैं पॉइंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट रीड करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड करंट आई एंड पावर ऑफ डिपेंडेंट सोर्स। तो ये वाला करंट आई है और ये डिपेंडेंट सोर्स है, इसका करंट और इसकी पावर कैलकुलेट करनी है भाई, क्लियर। तो बताइए कैसे कैलकुलेट करें, तो देखिए भाई, तो सबसे पहले इस सर्किट को मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं भाई, यहां पे रेजिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स की बना है 8 वोल्ट का, और यहाँ पे मेरे पास डिपेंडेंट सोर्स है, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ सर्किट को भाई, सो दैट कन्फ्यूज़न ना हो कोई आपको, जो भी था इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस 4 वोल्ट 1 ओम, यहाँ पे प्लस माइनस कितना था भाई 0.4 I, ये आपके पास करंट आई था, क्लियर, और ये कितना भाई 8 एम्पियर है, ये है आपका 2 ओम, क्लियर। तो मैंने भाई नीचे दिखा दिया, इस सर्किट को थोड़ा सा रीअरेंज किया, और वैल्यू देख लो भाई, सारी सारी वैल्यू आपकी आ गई है ना, 1 ओम का रजिस्टर आ गया, ठीक है जी। तो आपको भाई इस करंट आई की वैल्यू बतानी थी, और ये जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है इसकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, इसकी पावर क्या होगी वो निकालनी है, तो प्लस माइनस 0.4 I, क्लियर। तो सबसे पहले हम इसको KCL के साथ करेंगे भाई, तो एक नोड को क्या ले लेंगे भाई, रेफरेंस नोड, इसको भाई मैंने रेफरेंस नोड लिया, और इस नोड पे वोल्टेज मैंने बी अज्यूम कर लिया, बाकी जगह पे 2 ब्रांचेस मिल रही है, कोई ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही नोड है जिसके ऊपर KCL लग सकता है, क्लियर। तो कर दो भाई अप्लाई KCL, अप्लाई KCL एट नोड ए, जो भी नोड होगी, मान लीजिए नोड बी है, वोल्टेज यहाँ पे बी है, उसी पे लगा रहा हूँ, क्लियर। उस नोड पे जाइए, आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट अज्यूम करिए, तो पहले वाला ये वाला करंट देखिए, यही करंट मेरा आई है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, कहाँ से चल रहा है, बी से चल रहा है, पहुँच कहाँ पे रहा है, जीरो पे, बी माइनस जीरो किस टर्मिनल में एंटर हो रहा है, पॉजिटिव में, तो नेगेटिव डिवाइड बाई 2, ये वाला करंट आउटवर्ड है तो प्लस कितना 8, ये वाला करंट बताइए कितना होगा, कहाँ से चल रहा है अभी, बी से, पहुँच कहाँ पे रहा है, जीरो पे, किस में एंटर कर रहा है, पॉजिटिव में, तो नेगेटिव 0.4 I, किस में एंटर कर रहा है, पॉजिटिव में, तो नेगेटिव डिवाइड बाय कितना भाई, रेजिस्टेंस कितना है 1, इक्वल टू क्या कर देंगे 0, समझ रहे पॉइंट। तो एलसीएम कितना आएगा 2, सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बी माइनस 8 प्लस जे हो जाएगा 16 प्लस 2
बी माइनस फोर माइनस 0.4 आई बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर, तो करिए सॉल्व, बी इन दोनों को सॉल्व करिए, प्लस 8 प्लस 2b माइनस 8 माइनस 0.8 आई बराबर 0, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3b इक्वल टू 0.8i। क्लियर, अब मुझे इस i करंट की वैल्यू निकालनी है, i करंट j है, ये ऐसे ही जा रहा है i करंट, तो इसका मतलब इस i करंट की अगर मैं वैल्यू निकालूं, कहां से चल रहा है वोल्टेज, b से पहुंच कहां पे रहा है 0 पे, और पॉजिटिव में एंटर कर रहा है तो माइनस डिवाइड बाय कितना 2, इसका मतलब i की जो वैल्यू है b माइनस 8/2। समझ पा रहे हैं भाई इतनी बात? तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, इस i की जगह पे मैं ये चीज़ पुट कर सकता हूँ, इसका मतलब 3b इक्वल टू 0.8 इंटू आई की जगह पे लिख देंगे b माइनस 8/2। क्लियर, तो इसको भाई डिवाइड कर देंगे, 0.4 बन जाएगा, इसको जब करेंगे जो 0.4 बन जाएगा, 0.4 का मतलब होता है 4/10, 4/10 का मतलब होता है भाई 2/5। क्लियर, इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 15v दैट इज इक्वल टू 2v माइनस 8 × 2 = 16 हो जाएगा, ये इधर आएगा भाई कितना बचेगा 13v इक्वल टू माइनस 16, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/13 वोल्ट। क्लियर, इसका मतलब ये जो वोल्टेज v रहा होगा इसकी वैल्यू आ गई माइनस 16/3 वोल्ट। क्लियर, अब मुझे चाहिए था भाई करंट I की वैल्यू। क्लियर, तो I करंट क्या है भाई, इसमें जो V आया होगा इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा। क्लियर, एक बार भाई चेक कर लो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, B माइनस 0 माइनस 8/2 प्लस 8 प्लस B माइनस 0.4i माइनस 4 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना इसका 1, ठीक है जी, देन B माइनस 8 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 2V माइनस माइनस 4 माइनस 0.4i दैट इज़ बी, प्लस का 16 बचेगा 2v माइनस 8 माइनस 0.8i इक्वल टू 0, तो ये 2 और प्लस 1 3, ये नेगेटिव उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 3b इक्वल टू, ठीक है जी, i की वैल्यू आई थी b माइनस 8/2, तो b माइनस 8/2 यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना, 3v इज इक्वल टू 0.8 इंटू b माइनस 8/2 था ना, तो जब इसको कैंसिल करेंगे 0.4 मींस 4/10 हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा, तो 15 2b माइनस 16 15 2, बिल्कुल करेक्ट है जी, इसका मतलब b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 16/13। क्लियर, तो जो भी मेरे पास b की वैल्यू आई उसको मैंने यहाँ पे लिखा। अब इस i करंट की वैल्यू आपको निकालनी थी, इस i करंट की वैल्यू निकाल दो भाई, v की वैल्यू कितनी है माइनस 16/13 माइनस 8 डिवाइड बाई कितना 2। क्लियर, इसको सॉल्व कर लो भी कितना आ रहा है भाई, एलसीएम कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 है तो 26 हो जाएगा, माइनस 16 माइनस 13 इंटू 8 कितना होता है भाई 24, 104, तो 104 आंसर कितना आ जाएगा 110, 120 माइनस 120/26, इसको कैंसिल करिए 2 से 60/13 एम्पियर, तो आई जो करंट था इसकी वैल्यू आ गई भाई माइनस 16/13 एम्पियर। क्लियर, तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया है आपका, अब निकालना है इसका पावर, तो पावर के लिए क्या फॉर्मूला होता है भाई, किसी भी चीज़ की पावर जिसकी भी निकालनी है उसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो, उसका करंट निकाल लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो डिपेंडेंट सोर्स की वोल्टेज कितना है 0.4i, तो मैं सबसे पहले वोल्टेज निकालता हूँ, वोल्टेज ऑफ डिपेंडेंट सोर्स कितना है भाई 0.4 इंटू आई, इसका मतलब 0.4 इंटू आई करंट की वैल्यू कितनी आई माइनस 60/13। क्लियर, तो 0.4 का मतलब होता है डिवाइड बाय 10 कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस 24/13 वोल्ट। क्लियर, ये वोल्टेज आ गई, अब मुझे करंट निकालना है, करंट मींस मान लीजिए ये वाला करंट है कितना IX, तो IX करंट की वैल्यू निकाल दो, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, पावर आ जाएगा, तो IX करंट देखिए किसके कल आएगा, तो IX करंट देखिए भाई, IX दैट इज इक्वल टू वोल्टेज B माइनस 0 माइनस 0.4i माइनस 4 डिवाइड बाई 1, ये हो जाएगा। क्लियर, तो IX इज इक्वल टू वोल्टेज B की वैल्यू कितनी है माइनस 16/13 माइनस 0.4 इंटू I करंट की वैल्यू कितनी आई है माइनस 60/13 माइनस 4। क्लियर, तो देखिए कितना आ रहा है माइनस 16/13 माइनस, हाँ जी, इसको डिवाइड बाय 10 कर दो 0.4 को, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24/13
माइनस क्या आ जाएगा 4, इन दोनों को सॉल्व करो भाई, 13 मेरा एलसीएम आ जाएगा, 24 से 16 माइनस करो 8 माइनस 4, तो बताइए कितना आ जाएगा, 13 मेरा एलसीएम आया, 8 माइनस 13 इंटू 4 42, क्लियर। तो आंसर कितना आ गया भाई, 40 माइनस 34 बाई 13 एम्पियर, क्लियर। तो डिपेंडेंट सोर्स में से करंट कितना जा रहा है, माइनस 13.34/13 और वोल्टेज कितनी है, माइनस 24/13। इसका मतलब ये मेरे पास डिपेंडेंट सोर्स था, अगर मैं ध्यान से देखूं फिगर से, दैट इज़ प्लस माइनस 0.4i, जिसकी वैल्यू किसके अकल आ गई, माइनस 24/13। इसमें से भाई करंट मेरा जा रहा था ix, जिसकी वैल्यू कितनी निकाली भाई अभी, माइनस 34/13 एम्पियर। तो जब भी किसी भी चीज़ की पावर निकालनी हो तो आप डायरेक्टली वोल्टेज इनटू करंट कर दो। अगर पूछा जाए पावर डिलीवर हो रही है या कंज्यूम हो रही है, तो सबसे पहले जो भी वोल्टेज आया होगा और जो भी करंट आया होगा, सबसे पहले उनको प्लस का बना दो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव है, वोल्टेज नेगेटिव मीन्स इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस, तो वोल्टेज मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली करंट की डायरेक्शन अगर ये है, नेगेटिव है ना, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या कर देंगे भाई, इसकी जो एरो है वो चेंज कर देंगे, क्लियर। अब मुझे एक चीज़ बताइए, करंट मेरा कैसे जा रहा है, प्लस टू माइनस जा रहा है, पावर क्या होगी, कंज्यूम होगी, क्लियर। तो पावर क्या होगी भाई, कंज्यूम, पावर इज कंज्यूम्ड। और कितनी पावर कंज्यूम होगी, वोल्टेज कितना है, 24/13 इनटू करंट कितना है भाई, 34/13, इतने वॉट मेरी पावर कंज्यूम होगी, और कंज्यूम है तो साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्लियर है भाई। जो भी इसकी कैलकुलेशन होगी हम कर लेंगे, क्लियर। तो आपका भाई ये ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन अगर इन फ्यूचर बना तो इसकी जो कैलकुलेशन रखी जाएगी ना, क्वेश्चन जब हम फ्रेम करते हैं उसकी इस टाइप से रखी जाती है, सो दैट वो इजीली सॉल्व हो जाए, बिकॉज आपको पता है PSPCL में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो इतनी ज़्यादा टफ नहीं आएगी, समझ रहे पॉइंट। तो आपका ये था भाई क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पावर डिलीवर बाय करंट सोर्स आपको निकालना है, क्लियर। तो करिए इसको भी जल्दी से सॉल्व। हाँ जी, करंट डिलीवर बाय द करंट सोर्स, तो ये वाला करंट सोर्स है, इसकी पावर डिलीवर कितनी होगी वो निकालना है। तो सबसे पहले जिसकी भी पावर निकालनी हो उसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो और उसके अंदर से कितना करंट जा रहा है वो निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे पूछा था पावर डिलीवर्ड, इसका मतलब नेगेटिव साइन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मैंने क्या किया, इस वोल्टेज जो इसके अक्रॉस निकालूंगा उसकी पोलैरिटी मैं इस टाइप से ली, सो दैट मुझे पता चले कि पावर क्या हो रही है, डिलीवर। तो देखिए करंट मेरा नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब पावर क्या हो रही है, डिलीवर, ठीक है। तो मैं इस पोलैरिटी की वोल्टेज अज्यूम कर लूंगा, और यहाँ पे अगर मैं इस नोड को क्या ले लूं भाई, रेफरेंस नोड ले लूं। अब देखिए यहाँ पे भी KCL लग सकता है, इस नोड पे भी KCL, बिकॉज 1 2 3, यहाँ पे भी KCL लग सकता है, 1 2 3, क्लियर। तो इसका मतलब ये जीरो पे है, तो इसका मतलब ये वोल्टेज मेरा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, क्लियर। अगर ये वोल्टेज 0 वोल्ट है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट में जो वोल्टेज का डिफरेंस था वो 1 का था, इसका मतलब इस नोड पे वोल्टेज कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट, क्लियर। अगर इस नोड पे 1 वोल्ट है, ये वोल्टेज मान लीजिए बी पी है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है भाई ये देखो, प्लस माइनस, प्लस किसके साथ है, 1 पे है, इसका मतलब 1, माइनस किस पे है, बी पी पे है, माइनस बी पी, इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस किसके इक्वल है भाई, 1 के, इसका मतलब बी पी की वैल्यू निकाल सकते हो, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो बी पी मेरा यहाँ से आ जाएगा 0 वोल्ट, इसका मतलब इस पॉइंट पे जो मेरी वोल्टेज है वो कितनी है भाई, 0 वोल्ट है, समझ रहे हैं भाई पॉइंट। देखो कितने आसानी से मैंने यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इसी पे KCL अप्लाई करूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे पावर बतानी है, पावर के लिए मुझे ये वोल्टेज चाहिए, करंट तो इसका गिवन है 2 एम्पियर, ठीक है। तो अप्लाई KCL एट नोड V, जो ये वाली नोड है, तो उस पे मैं जाऊँगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट अज्यूम करूँगा, तो ये वाला करंट बता सकते हो, V किस वोल्टेज पे पहुँच रहा है, 1 पे डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो V माइनस 1 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 1, ये करंट इनकमिंग है तो माइनस 2, जे करंट आउट गोइंग है V माइनस 0 डिवाइड बाई 1, तो प्लस V माइनस 0 डिवाइड बाई 1 बराबर क्या कर देंगे, 0, माइनस 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, B प्लस B इक्वल टू 2, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई, 1 वोल्ट, क्लियर है भाई। तो इस वोल्टेज की वैल्यू मेरे पास आ गई भाई 1 वोल्ट, इसका मतलब ये जो V है दैट इज 1 वोल्ट, क्लियर। करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो पावर क्या होगी, डिलीवर।
अगर मैं सिंपल पावर निकालूं, पावर किसके कहलाएगा भाई, नेगेटिव से अगर पॉजिटिव करंट जा रहा है तो नेगेटिव, वोल्टेज कितना है 1, करंट कितना है 2, तो माइनस 2 वॉट। लेकिन हमें क्या निकालना था, पावर डिलीवर्ड, तो पावर डिलीवर्ड कितनी हो जाएगी, पावर डिलीवर्ड दैट इज इक्वल टू 2 वॉट। समझ रहे हैं भाई इतनी बात। तो ये था भाई आपके पास इस क्वेश्चन का सलूशन, बड़ा इजी था, क्लियर। तो आगे फिर मैं कुछ क्वेश्चन और सेलेक्ट कर रहा हूँ सो दैट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और बेटर बन सके उन KCL, क्लियर। तो लिखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, सो आगे कुछ क्वेश्चन और सेलेक्ट किया हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम रजिस्टर। ये जो 1 ओम का रजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है, समझ रहे हैं पॉइंट। तो भाई पोलैरिटी कोई भी नहीं गिवन, आप चाहे प्लस माइनस से ज्यूम कर लो, चाहे माइनस प्लस से ज्यूम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज कितना है, बी है, समझ रहे पॉइंट। तो मैं क्या करूँगा, KCL के साथ ही करूँगा। अगर मैं इसको रेफरेंस ले लूँगा तो जे वाली नोड एक बचेगा जिसके ऊपर KVL अप्लाई होगा, सॉरी KCL अप्लाई होगा, समझ रहे पॉइंट। अगर ये 0 है इसका मतलब ऊपर वाली वोल्टेज कितनी हो जाएगी, बी, बिकॉज दोनों पॉइंट का डिफरेंस कितना है, वी है, समझ रहे पॉइंट। तो इस पर KCL अप्लाई करो भी जल्दी से। तो मैं करंट क्या करूँगा, आउटसाइड ज्यूम कर लूंगा, तो ये वाला करंट क्या हो जाएगा, इधर वाला करंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V माइनस 4 डिवाइड बाई 3, ये वाला करंट कितना हो जाएगा, V डिवाइड बाई 1, ये वाला करंट कितना हो जाएगा, माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो LCM 3 आ जाएगा, तो B माइनस 4 प्लस, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से कर दो, इक्वल टू 0, 4V माइनस माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो वोल्टेज B की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 7/4 वोल्ट, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई 7/4 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, आपके पास I1 और I2 की वैल्यू आपने निकालनी थी, ठीक है। यहाँ पे एक रजिस्टर और है भाई 3 ओम का, 3 ओम, क्लियर। तो I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं किसके साथ सॉल्व करूँगा भाई, KVL भी यूज़ कर सकता हूँ और KCL, मैं दोनों के साथ बता देता हूँ। इस नोड पे भाई हम इस नोड को रेफरेंस ले लेंगे और इस नोड पे भाई क्या अप्लाई कर देंगे, KCL, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रांचेज है, यहाँ पे भी 2 ब्रांचेज है, यहाँ पे अप्लाई होगा। मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज कितना है भाई, बी, तो अप्लाई KCL, इस नोड पे हम KCL अप्लाई करेंगे, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में हम करंट ज्यूम कर लेंगे भाई। तो करिए अप्लाई KCL इस दिस नोड, ये वाले करंट की वैल्यू क्या होगी, बी माइनस 40 डिवाइड बाई रजिस्टेंस कितना है, टोटल 2 + 3 = 5, हाँ जी, ये वाला करंट इनकमिंग है तो माइनस का 4, ये वाला करंट कितना हो जाएगा, बी माइनस 0/5, मीन्स बी बटा 5 बराबर 0, LCM कितना आ जाएगा, 5, तो कितना आ जाएगा भाई, बी माइनस 40 माइनस 4 × 5 + b बराबर 0, और नीचे 5 था वो उधर जाके 0 हो जाएगा, 1 और 1 = 2, 2b माइनस 40 माइनस 20 बराबर 0, तो 2b बराबर आ जाएगा 60, वोल्टेज b की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 30 वोल्ट, क्लियर। इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 30 वोल्ट। तो I2 करंट मेरा जे रहा, ये I2 करंट है, समझ रहे हैं पॉइंट। इसका मतलब I2 करंट, ये मेरा I2 करंट है, तो I2 करंट की वैल्यू बताइए जल्दी से कितनी होगी, I2 करंट जो मेरा होगा, यहाँ पे वोल्टेज V है, डिवाइड बाय कितना भाई, 1 + 2 = 1 और 4 = 5, बी बाई 5, वोल्टेज कितना है, 30 / 5 कितना आ गया भाई, 6 एम्पीयर, क्लियर। तो I1 बताइए, I1 करंट ध्यान से देखिए भाई, ऐसे करंट जा रहा है, इसका मतलब ये है मेरा करंट I1, क्लियर। तो अगर मैं जे वाला करंट निकाल लूँ IA, क्लियर, IA मेरा ऐसे आ रहा है, I1 मेरा ऐसे जा रहा है, इसका मतलब I1 जो होगा दैट इज़ माइनस IA होगा, और IA की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से चल रहा है अभी वोल्टेज B माइनस 40 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना, टोटल 5, तो इसका मतलब ये हुआ माइनस, वोल्टेज B की वैल्यू कितनी आई थी भाई, 30, तो 30 - 40 / 5 कितना बचा भाई, -10/5 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, आंसर कितना आ गया भाई, 2 एम्पीयर। इसका मतलब I1 की वैल्यू है 2 और I2 की वैल्यू कितनी है भाई, 6, I2 की I1 2, I2 6, तो C आ जाएगा, क्लियर। तो कई बार ऐसा भी होता है, कई बार हम जे देख लेते हैं भाई 2 और 6 आ गया तो D टिक कर दिया ना, जो ऑर्डर पूछा जाए I1 और I2 के ही सीक्वेंस में बताना है, समझ रहे हैं पॉइंट। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्लियर। अगर मान लीजिए मैं इसको KVL के साथ करता तो कैसे करता, वो भी देख लो भाई। अगर KVL के साथ मैं इसको सॉल्व करता तो उसकी वैल्यू देखिए जल्दी से कितनी आएगी। तो KVL में सबसे पहले हम इस लूप में KVL अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको पता है जब भी करंट सोर्स कॉमन आ जाए तो उस केस में हम KVL नहीं लगा सकते। क्या लगता है उस केस में बताइए भाई जल्दी से, सुपर मैश लगता है। सुपर मैश का मतलब क्या है, ये जो करंट सोर्स है इसका इफेक्ट मेरा इधर आ जाएगा, क्लियर। इधर से करंट कितना जा रहा है भाई, I1, ये देखिए I1,
इसका मतलब इस ब्रांच में जो करंट जाएगा, किस ब्रांच में, इस ब्रांच में जो करंट जाएगा वो आएगा I1+4। तो आपने ये जो बड़ी लूप है इसमें केवीएल अप्लाई कर देना है। भाई अप्लाई करिए तो कितना आएगा, -40। हाँ जी, ये वाला करंट ऐसे जा रहा है, ड्रॉप +2 -2 इंटू, इसमें करंट कितना है, I1 है, 2 I1। हाँ जी, नेक्स्ट चलिए, ड्रॉप इज +2 -, रेजिस्टेंस कितना है, 1 इंटू करंट कितना है, I1+4। आगे चलिए, यहाँ पे ड्रॉप +2 -, तो कितना वही करंट इसमें, I1+4 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्लियर? तो -40 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 I1। हाँ जी, नेक्स्ट प्लस I1+4, नेक्स्ट 4 I1+16 बराबर 0। तो आंसर कितना आएगा, 2, इधर जाके 40 हो जाएगा, सॉरी 4 5 2 7 I1+20, दैट इज इक्वल टू 40। इसका मतलब 7 I1 इज इक्वल टू 20। क्लियर? तो देखिए भाई कहीं पे गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 2 था, एक ये 3 रह गया, भाई इसको नहीं कंसिडर किया, 4 के बाद ये 3 आना था, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। इसमें करंट कितना है, यहाँ पे I1 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट था I1+4, इसमें से 4 इधर चला जाएगा, इधर कितना आएगा, I1, ड्रॉप इज +2 -, कितना, 3 I1। तो 7+3 कितना हो जाएगा, 10 I1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 I1। तो I1 की वैल्यू किसके कल आ गई भाई, 2 एम्पियर आ गया। क्लियर? तो I2 करंट चाहिए, ये था I2 करंट इस लूप में, लेकिन करंट कितना है, I1+4, लेकिन यही क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब जो I2 करंट है वो है I1+4, I1 की वैल्यू 2 है और 4 कितना आ गया भाई, 6 एम्पियर। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी। क्लियर? तो अब देखिए 7th क्वेश्चन भाई, जल्दी से स्टेटमेंट रीड करिए और अपने आप ट्राई करने की कोशिश करिए, देन देखिए क्या आपका आंसर सही आ रहा है। क्लियर? तो अब देखिए भाई, ध्यान से देखिए इस पूरे नेटवर्क को। क्लियर? आपको कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज ये करेगा, आप क्या करना है, इसमें आई करंट की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, समझ रहे हैं पॉइंट। इसका मतलब इस पूरी लूप में जो करंट होगा वो मेरा आई ही होगा, क्यों, क्योंकि इस साइड कोई और, जैसे जेब था ना मेरा, ये नेटवर्क मेरा, इसके साथ ये नेटवर्क आ रहा था, इस अगर मैं ये लूप में करंट देखूं तो जिधर भी मेरा नेटवर्क बन रहा था, ऊपर कोई नेटवर्क नहीं है, इसका मतलब इस ब्रांच में जो करंट रहेगा वो आई ही रहेगा। क्लियर? एक चीज और देखिए भाई, आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, इसका मतलब यही वोल्टेज मेरा यहाँ पे आ जाएगा 12 वोल्ट, यही वोल्टेज मेरा यहाँ पे आ जाएगा कितना, 60 वोल्ट। क्लियर? तो ये फर्स्ट लूप में केवीएल अप्लाई कर दो भाई, अप्लाई केवीएल इन फर्स्ट लूप, तो करिए भाई अप्लाई। तो करंट ऐसे जा रहा है, ड्रॉप इज +2 -, कितना, 2 I। आगे भाई, ये वोल्टेज मुझे गिवन है +2 -, करंट ऐसे जा रहा है ना +2 -, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 12, फिर ऐसे ही जाएगा ऐसे, करंट करंट कितना जा रहा है भाई, आई, तो कितना, ड्रॉप +2 -, कितना, 2 I। आगे चलिए, करंट मेरा -2+ जाएगा, कितना, 60, बराबर क्या हो जाएगा, 0। उसी पॉइंट पे मैं पहुंच गया भाई। क्लियर? तो कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आ गया, 4 I, दैट इज इक्वल टू 60 -12, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करिए, 58 48 डिवाइड बाई 4, दैट इज 12 एम्पियर। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, 12 एम्पियर। क्लियर है भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भाई, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इफ बी इज इक्वल टू 2 वोल्ट, अगर ये वोल्टेज बी की वैल्यू कितनी हो जाए, 2 वोल्ट, अगर ये 2 है, इसके क्रॉस वोल्टेज 2 हो जाएगा, तो इसमें करंट पता चल जाएगा, करंट कितना आएगा भाई, 2/2 1 एम्पियर। इस मतलब इस पूरी ब्रांच में आंसर जो करंट का होगा वो कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर? तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, KCL अप्लाई कर रहा हूँ, ये सारे इसी पॉइंट में, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब इसको मैं कॉमन मान सकता हूँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट में कॉमन कर दीजिए भाई, सो दैट कैलकुलेशन करनी थोड़ी सी ईजी हो जाए। इसको मैं रेफरेंस अज्यूम कर लूँगा, मान लीजिए जहाँ पे वोल्टेज मेरा B1 है, जहाँ पे वोल्टेज कितना है भाई, B2 है। क्लियर? तो अप्लाई करो KCL एट B1, क्यों, क्योंकि इस नोड पे भी KCL लगेगा और इस नोड पे भी, क्यों, क्योंकि 3 ब्रांचेज है, इस पे भी 3 है, इस पे 2 है, यहाँ पे नहीं लगेगा। क्लियर? तो अप्लाई केसीएल एट नोड B1। तो अप्लाई करिए भाई, इनकमिंग करंट कितना जा रहा है भाई, इस पे आई, मीन्स -I हो जाएगा, -I, और यहाँ पे देखिए ये आउटगोइंग करंट कितना है भाई, 2 गिवन है भाई, +2। नेक्स्ट जे वाला करंट कितना होगा, B1 -B2 डिवाइड बाई R। तो भाई कंफ्यूज ना हो,
आप पहले इसके ऊपर साइन अज्यूम कर लो, क्लियर। तो बताइए अभी कितना कितना आ रहा है। तो बी वन माइनस बी टू डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, रजिस्टर है आर, बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। एक इक्वेशन मेरी यहाँ से बन जाएगी, फिर मैं अप्लाई करूँगा अप्लाई केसीएल एट नोड, किस नोड पे भाई, बी टू पे। तो अप्लाई करिए जल्दी से, तो पहला करंट आ जाएगा बी टू माइनस बी वन डिवाइड बाई आर। हाँ जी, अगला करंट क्या आ जाएगा, बी टू बाई रजिस्टेंस कितना है वन, दूसरी साइड करंट कितना जा रहा है भाई वन, ये देखिए वन एम्पियर, क्लियर। तो करंट मेरा जाएगा वन, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे पास ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू। और अगर मैं ये वन एम्पियर करंट वाली की वैल्यू निकालूं, इस करंट की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी, ये वन एम्पियर गिवन है ना, तो ये वाले करंट की इक्वेशन लगा दो, ये वाला करंट वन, करंट किसके इक्वल होगा, बी टू डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना भाई तीन, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस मेरा तीन है, तो इसका मतलब जो बी टू है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई भाई, थ्री वोल्ट, क्लियर। अगर बी टू की वैल्यू थ्री है तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा बी टू की वैल्यू, तो देखिए कितना आ रहा है, थ्री माइनस बी वन बाई आर प्लस थ्री प्लस वन बराबर जीरो, थ्री थ्री फोर हो जाएगा, मीन थ्री माइनस बी वन डिवाइड बाई आर दैट इज इक्वल टू माइनस फोर, मीन्स थ्री माइनस बी वन इक्वल टू माइनस फोर आर। तो जे इधर जाएगा, जे इधर आएगा, तो बी वन की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री प्लस फोर आर। समझ रहे हैं भी पॉइंट। तो आपको करंट आई की वैल्यू निकालनी थी इसमें, लेकिन मुझे बी वन तो मिल गया, थ्री प्लस फोर आर, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ, इस ब्रांच में जो जो करंट दो एम्पियर है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो दो एम्पियर इज इक्वल टू बी वन डिवाइड बाई रेजिस्टेंस आर, इसका मतलब बी वन यहाँ से कितना आ गया, 2R आ गया, क्लियर। तो यहाँ पे मैं B1 की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 2R, तो यहाँ पे लिखिए 2R इक्वल टू 3 प्लस 4R, तो ये मेरा 4R इस तरफ आएगा, तो कितना बच जाएगा, माइनस 2R बराबर कितना 3, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये इधर आएगा माइनस 2, माइनस 3 बाई 2 ओम, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भाई यहाँ पे नेगेटिव आ गया, कितना, माइनस 3 बाई 2। समझ रहे हैं वही पॉइंट। तो एक बार भाई मिस्टेक ना होगी हो, चेक कर लो, अगर मैं वहाँ पे KCL अप्लाई करूँ, B2 by 3 इक्वल टू 1, तो B2 इक्वल टू 3 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। फिर अगर मैं इसमें B2 की जगह पे 3 पुट करूँ, तो 3 माइनस बी वन बाई आर प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, मीन्स माइनस 3 बी वन बाई आर इक्वल टू माइनस 4, 3 माइनस बी वन इक्वल टू माइनस 4 आर, ये इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ये इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 4 आर, और B1 की वैल्यू कितनी है भाई, 2R, B1 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू 2 है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। तो B1 2R आ जाएगा, उसकी वैल्यू पुट कर दी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, R की वैल्यू आ गई माइनस 3 बाई 2। तो I की वैल्यू आपको चाहिए थी, तो इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, समझ रहे हैं पॉइंट। तो फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही पुट करेंगे, तो देखिए आंसर कितना आएगा, तो माइनस आई प्लस 2 प्लस B1 की वैल्यू किसके इक्वल आई भाई, B1 की वैल्यू देखिए 2R है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2R माइनस B2 कितना है 3 डिवाइड बाय कितना R बराबर 0, ये नेगेटिव करंट उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, मींस 2 प्लस 2 इंटू R की वैल्यू कितनी है माइनस 3 बाई 2, माइनस 3 R की वैल्यू है भाई माइनस 3 बाई 2, क्लियर। तो देखो आंसर कितना आया, 2 प्लस 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 6 डिवाइड बाई माइनस 3 बाई 2, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 मेरा ऊपर चला जाएगा, क्लियर। तो क्या बचेगा, 2 प्लस, देखिए भाई ध्यान से, 2 प्लस ये ऊपर चला जाएगा 6 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, इसको कैंसिल कर देंगे 2 से, तो 2 प्लस 4, तो I करंट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6 एम्पियर, क्लियर। तो करंट I का जो इसके पास आंसर आ जाएगा दैट इज 6 एम्पियर, क्लियर। तो घबराना नहीं है भाई, रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव आई, कोई बात नहीं, नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब ये है, वैसे तो रेजिस्टेंस पावर क्या करता है, कंज्यूम करता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस मीन ये पावर डिलीवर करेगा, क्लियर, लेकिन एक्चुअल ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्लियर। तो कैलकुलेशन के लिए ये चीज थी, तो करंट I की वैल्यू आ जाएगी इस केस के लिए 6 एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 9th देखिए भाई, तो 9th क्वेश्चन में क्या था, आपने करंट कैलकुलेट करना था भाई इस 2 एम्पियर, सॉरी 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। फिर ये बताना था अगर करंट मैं डबल कर दूं तो मुझे किसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी इन दोनों में से, ठीक है, वो देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। पहले करंट निकालिए, 2
ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, किसके साथ करें, आप ऐसा करिए इसको केवीएल के साथ कर दीजिए। जे वोल्टेज मेरी पैरेलल में सेम होगी, मीन जहाँ पे भी वोल्टेज कितना होगा 4 होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम है, इसका मतलब यहाँ पे भी कितना होगा 4 वोल्ट होगा। क्लियर, इसका मतलब इसमें जो करंट होगा आई वो निकाल सकते हो, वोल्टेज कितना है 4 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, दैट इज 2 एम्पियर। क्लियर, इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है भाई 2 एम्पियर। तो आप देख सकते हो 2 एम्पियर सिर्फ ऑप्शन बी में ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ये है कि इसकी वैल्यू डबल करनी हो, अब करंट कितना है, अभी रेजिस्टेंस 2 ओम में जो करंट है वो 2 एम्पियर है, अगर मैं इसको डबल कर दूं तो 4 एम्पियर हो जाएगा। तो 4 एम्पियर करंट फ्लो करवाने के लिए मुझे पता है ये वोल्टेज सोर्स ही डिसाइड कर रहा है इसके थ्रू करंट कितना जा रहा है। क्लियर, अगर इसकी वैल्यू 4 है तो करंट कितना आ रहा था 2 एम्पियर, अगर इसका करंट मैं डबल कर दूं, इसका मतलब जो मेरी बी एस होगी, क्योंकि बी एस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 2, ये मेरे पास आई वन डैश आएगा जिसकी वैल्यू मैंने डबल करके कितनी कर दी 4, तो बी एस उस केस में कितना आ जाएगा 2 × 4 = 8 वोल्ट। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन बी। समझ रहे पॉइंट। तो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं भाई। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ करंट आई। इस आई करंट की वैल्यू आपको भाई गिवन, सॉरी, फाइंड आउट करना है। तो मैं सॉल्व करूं विद द हेल्प ऑफ केसीएल। तो सबसे पहले एक नोड को क्या ले लेंगे भाई, रेफरेंस नोड। तो जब कोई भी पाथ में रेजिस्टेंस ना हो, इसका मतलब इसको मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दिखा सकता हूं। क्लियर, तो आपको मैंने भाई ये चीज़ बता रखी है ऑलरेडी। तो इसको कैलकुलेशन की इजी करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, इसको मैंने रेफरेंस में ले लिया। तो केसीएल के साथ करूँगा मैं, तो केसीएल मेरा यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। कैसे पता चला, बिकॉज 3 ब्रांचेज है, यहाँ पे भी लगेगा 1, 2, 3। तो मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज कितना है भाई B1, लेकिन पैरेलल में वोल्टेज सेम है, यहाँ पे वोल्टेज कितना आ जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज मैं अज्यूम कर लेता हूँ भाई कितनी है B। तो करिए अप्लाई केसीएल, ये मान लीजिए नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2 है। तो अप्लाई केसीएल, केसीएल एट नोड 1, नंबर 1 नोड पे हम केसीएल अप्लाई करेंगे। क्लियर, तो अप्लाई करिए भाई, इधर से करंट कितना आ रहा है माइनस आई, ये वाला करंट क्या होगा प्लस 1 - 0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 1, प्लस जे वाला करंट, जे वाली वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, लेकिन नीचे कोई रेजिस्टेंस लगाने को नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जब भी दो नोड के बिटवीन वोल्टेज सोर्स मेरा कॉमन आ जाए, वहाँ पे मैं केसीएल अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे आपको पता था केवीएल में अगर कोई करंट सोर्स दो लूप के बिटवीन कॉमन आ जाता है तो आप केसीएल अप्लाई नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या यूज़ किया था आपने, सुपर मैश। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आएगा, सुपर नोड का कंसेप्ट आएगा। क्लियर, तो नोट करके भाई पॉइंट लिख लो, नोट करके पॉइंट लिखिए, व्हेन आप वोल्टेज सोर्स इज कॉमन बिटवीन टू नोड, अ सुपर नोड इज अप्लाइड, सुपर नोड इज अप्लाइड। तो वहाँ पे केसीएल अप्लाई नहीं होगा, सुपर नोड का कंसेप्ट भाई अप्लाई होगा। एज पर सुपर नोड आपने क्या करना है, कोई करंट आई एक्स अज्यूम कर लेना। मान लीजिए करंट कितना है भाई आई एक्स है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, इसको नोट किया भाई, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट देखिए फिर इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो आपने किसी भी डायरेक्शन में आई एक्स को अज्यूम कर लेना, ठीक है। तो इस पर जब मैं अप्लाई करूंगा, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है भाई, आउटवर्ड में, तो प्लस आ जाएगा आई एक्स बराबर क्या आ जाएगा 0। ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1 है। फिर मैंने क्या करना है, अप्लाई केसीएल कर देना है कहाँ पर, अप्लाई, इसको इक्वेशन 1 मत बोलिए, इक्वेशन नंबर ए बोलिए, अप्लाई केसीएल एट नोड, किस नोड पे अप्लाई करेंगे भाई, नोड नंबर 2 पे अप्लाई करेंगे। करिए अप्लाई, ये वाला करंट क्या आएगा बी माइनस 0 डिवाइड बाय कितना 1, नेक्स्ट ये वाला करंट बी बाय 2। इसका मतलब ये भी हुआ, स्मॉल करंट आई की वैल्यू भी मुझे पता चल गई बी बाय 2, क्योंकि ये वाला करंट है ना ये स्मॉल आई है बी बाय 2। क्लियर, तो नेक्स्ट ये वाला करंट देखिए, इधर से करंट कितना आ रहा है आई एक्स इनकमिंग, तो यहाँ पे क्या माइनस आई एक्स बराबर 0, ये इक्वेशन मेरी बी होगी। अभी मेरी कोई भी इक्वेशन यहाँ पे नहीं बनी है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये मेरे पास सुपर नोड इक्वेशन बन जाएगी, सुपर नोड इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर ए प्लस इक्वेशन नंबर बी। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए भाई। तो सबसे पहले ये देखिए, ये माइनस का ये प्लस का जब ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस आई
प्लस वन बाई वन प्लस आई एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी इसके बाद ये आ जाएगा बी प्लस बी बाय टू माइनस आई एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर है जीरो प्लस जीरो जीरो, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये आ जाएगा। क्लियर? तो मेरी बात सुनिए भाई, ये तो मैंने आपको एक्चुअल प्रोसीजर बताया, अदरवाइज आपने केसीएल देखिए कैसे अप्लाई करना है। अगर यहाँ पे वोल्टेज सोर्स आ जाएगा तो डायरेक्ट इस इक्वेशन का फॉर्म, इस इक्वेशन को बनाने का मेथड देख लीजिए। आपने करना है यहाँ पे अप्लाई करना है केसीएल, इधर से करंट माइनस आई, ये वाला करंट वन माइनस जीरो डिवाइड बाई वन, वन माइनस जीरो डिवाइड बाई वन। क्लियर? इसके बाद क्या करना है, इसी नोड को कंटिन्यू रखना है, इसी इक्वेशन को कंटिन्यू रखना है। आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए तो जे वाला करंट बताइए बी माइनस जीरो बाई वन, बी माइनस जीरो डिवाइड बाई वन प्लस बी बाई टू। क्लियर? तो डायरेक्टली आपको ये दो इक्वेशन लिख के उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसी इक्वेशन से पहले जे वाला करंट प्लस जे वाला करंट प्लस जे वाला करंट, तो आपके पास इक्वेशन नंबर वन आ जाएगी। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आई मेरा उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो आई करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, वन प्लस टू और थ्री बी बाई टू। ठीक है, अगर मुझे वोल्टेज बी का वैल्यू पता चल जाए, मेरा करंट आई मुझे पता चल जाएगा। समझ रहे हैं भाई बात? आप मुझे एक चीज़ बताइए, मेरे अननोन है दो, इक्वेशन मेरे पास एक है, तो जितने अननोन उतने ही इक्वेशन आनी चाहिए। तो अगली इक्वेशन कहाँ से पता चलेगी मुझे, यहाँ से। क्लियर? तो बस जिस चीज़ का ध्यान रखना है, प्लस किस पे है, वन पे है, और माइनस किस पे है, वोल्टेज बी पे है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस गिवन है मुझे, प्लस वाली पॉइंट पहले लिखेंगे माइनस किसके इक्वल है भाई, टू इंटू आई, और आई करंट की वैल्यू कितनी है, वी बाई टू। इसका मतलब वन माइनस वी दैट इज इक्वल टू टू इंटू वी बाई टू, टू के साथ टू कैंसिल हो जाएगा, ये वी इधर आएगा, तो वी प्लस बी इक्वल टू वन, टू बी इक्वल टू वन, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, वन बाई टू वोल्ट। क्लियर? तो इसका मतलब वन बाई टू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आई करंट की वैल्यू कितनी आएगी, वन प्लस थ्री बाई टू, वी की वैल्यू है वन बाई टू, आंसर कितना आया भाई, वन प्लस थ्री बाई फोर। तो देखिए कितना आ रहा, फोर, फोर प्लस थ्री मीन्स सेवन बाई फोर अम्पियर। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, 7/4 अम्पियर। क्लियर है भाई? तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, आई होप आपको एक एक क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया, कैसे आपने मल्टी अप्रोच से करना है क्वेश्चन, ये भी आपको समझ में आया। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप व्हाट्सअप ग्रुप में भाई अपना मैसेज छोड़ सकते हो, ठीक है, जब जैसे ही टाइम लगेगा आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।